वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज की डिस्कशन हमारी फिर से वही होने वाली है, पीजीआई गवर्नमेंट का 100 दिन का एजेंडा क्या पूरा हुआ, क्या वादे किए गए, उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी रबिया नुसरत जो कि पीएमएलएनसीन का ताल्लुक है, एमपीए भी हैं, उनको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ साथ जनाब थोड़ी ज़्यादा शकील गुफ्तगू ना हो जाए तो हम बीच में म्यूज़िक का एलिमेंट भी शामिल रखेंगे। होर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो, होर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जबरदस्त। अच्छा सबसे पहले तो आपकी जानी पाएंगे, 100 दिन का एजेंडा आपके नज़दीक क्या था, ये हम जरा इस आगाज यहाँ से करते हैं। अभी तो हमें भी समझ नहीं आया कि वो क्या था। और 100 दिन तो गुजर गए हैं, तो 100 दिन में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, यू टर्न के अलावा तो और कुछ नहीं है। रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, तो अल्लाह करे कि कुछ हो जाए। 100 दिन में वो सुबह भी चेंज होने थे, 100 दिन में 1 करोड़ नौकरी भी जानी थी, 100 करोड़ में 50 लाख घर भी आना था, और मतलब इतने काम थे 100 दिन में जो कि मेरा ख्याल है एक भी नहीं हुआ। अच्छा, चूंकि हम वो पीटीआई वालों से बात करें तो वो यही कहते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि हमने अपने आप को एक सिलेबस दिया था, क्या हमारे ये टारगेट या हमारे गोल है जिसको हमने 100 दिन के बाद अचीव करना शुरू करना है, इस पे वर्किंग हुई। तो ये उन्हें उस वक्त कहना चाहिए था ना, जब वो कंटेनर पे खड़े थे, कंटेनर पे खड़े होके उन्होंने वो दावे किए कि बिजली के बिल फाड़ दिए जाएं, मैं आऊंगा तो मैं आके बिजली सस्ती कर दूंगा। तो मेरा ख्याल है आने से आए हैं, जब से पहले दो काम तो उन्होंने यही किए हैं, जो बम फाड़े हैं आवाम के ऊपर। हाँ जी, वो बिजली का बिल है, आप देखें कि डॉलर जो है वो कभी 135 पे नहीं गया था, 2013 में 105 पे था, उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई है उसके बाद वो 70 इससे ऊपर नहीं गया, और अब जाके देखेंगे किस पे है। तो ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कहते हैं वो कर पाएंगे। अच्छा, अभी तक तो अब हम इसी कश्मकश में हैं कि 100 दिन का एजेंडा किस हद तक पूरा होगा, क्या क्या वादे हुए थे। अच्छा, ये भी आपको लगता है कि बहुत सारी जगह पे अब क्योंकि अब सियासत में आने से पहले, गवर्नमेंट पे आने से पहले बहुत सारी बातें की गई थी, पब्लिक को बहुत उम्मीदें भी दिलाई गई थी, अब क्योंकि आते ही महंगाई की एक जो जोर पकड़ा है, स्ट्रैटेजीज लाग थी कहीं ना कहीं इनकी? मुझे तो सिवाय यू टर्न के कुछ नजर नहीं आया। और आप ये देखें कि कोई भी बात होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ जाते हैं वो फवाद साहब भी और ये सारे बैठ के, तो इनके पास मुल्क के दिफा के या मुल्क के बेहतरी के लिए या तरक्की के लिए तो कोई काम मेरा ख्याल है नहीं इनके पास, सिवाय नून लीग के किसने पकड़े जाना है और किसने नहीं पकड़े जाना और किसकी बारी है, सिवाय इसके इनके पास और तो कोई काम नहीं। अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब खजाना भी खाली हो गया, पीछे से मुल्क को बहुत बुरे हाल में छोड़कर गए हैं आप लोग, तो अब जो उनको नए सिरे से इसको दोबारा से लाने में उनको मुश्किल पेश आ रही है। देखे मेरी बात सुने, खजाना खाली क्या, 16 अरब तो था उसमें, 8 गया, वो 8 अरब किधर गया उसका तो ये अभी तक बोल नहीं रहे ना कोई हिसाब दे रहे हैं, तो खजाना तो खैर खाली नहीं था। तो इनके कहने से ये तो वैसे ही झूठ इतना बोलते हैं कि वो कुरान उठाने में भी ग्रेज नहीं करते, वो फयाज साहब जो हैं वो तो वैसे ही कुरान उठा लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुरान तो ना झूठा उठाना चाहिए ना सच्चा उठाना चाहिए, वो तो एक मुकद्दस किताब है, उसको सियासत में नहीं लाना। इनके लिए ना तो कोई किताब है, ना कोई कुरान है, ना कोई, सिवाय इनकी सियासत सिर्फ झूठ पे है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ रविन्द्र साहब तो मौजूद हैं ही, और जरा हम चाह रहे हैं कि ज्यादा पॉलिटिकल गुफ्तगु ना हो, क्योंकि हमने आते कहा कि ज्यादा नहीं हमने पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, तो आप हमें क्या सुनाने वाले? मैं आपको कुछ सूफियाना फर्स्ट पे मैं सुनाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त। तेरी रहमत वल्ले
ते बल्ले 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 जे वेखां तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 जबरदस्त जबरदस्त। और आपके सिंगिंग करियर का आगाज कब से हुआ? मुझे तकरीबन 5 से 6 ईयर हो गए प्रॉपरली मतलब इस फील्ड में। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैंने फर्स्ट ट्रिब्यूट मैडम नूरजहां को दिया, देन उसके बाद मैंने अपना जो मेरा सॉन्ग था हयाती, उसके बाद आजा सजना, फिर मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि उडारी सीरियल में मेरा बुशरा जी के साथ मुझे गाने का मौका मिला, जिसमें मैंने बचपन सारी जी के साथ सिंग किया सुफियाना कलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चल ही रहा है सारा, चल रहा है सिलसिला। तो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? आने वाला एक अभी मेरा सिंगल, जैसे कि अभी आपको पता है कि मार्केट में वो दौर नहीं है कि, हाँ जी बिल्कुल, तो सिंगल ही मेरा है जिसमें मैंने थोड़ा सा अपने कल्चर को जो चल रहा है कल्चरी और फोक थोड़ा मैंने मिक्स मतलब कोई नए क्रिएशन की है। आपका जॉनरा ज्यादा सूफीज्म है? सूफी फोक क्लासिकल, हाँ जी, लेकिन लोग जो चाह रहे हैं उस तरह का कोशिश करते हैं कि उस तरह का भी होना चाहिए, पॉप रॉक इस तरह का भी कुछ। मैडम आपकी जानिब दोबारा से आएंगे, अभी आपकी मसरूफियात के हवाले से हम जानना चाहेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स आप क्या चाह रही हैं कि ज़्यादा ना हम डिस्कस करें, तो अपनी पॉलिटिकल थोड़ी सी बता दें एक्टिविटीज़ क्या होगी। देखिए हम तो आपको पता कि सियासत में हमारे लिए तो एक एक पल जो है वो कीमती है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हलके में, मेरा हलका है 125, तो उसमें मैंने पहले भी काम किए, लगी रहती हूँ अपने लोगों के लिए, अपने बहनों के लिए। तो मुझे यही एक ख्वाहिश थी कि मैं उन बहनों की आवाज़ बनूँ जो बहनें मेरी नहीं आगे आ सकती, इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं उनके लिए। तो मैंने सियासत शुरू की, इसमें मैंने काफ़ी काम भी किए, तो उसके बाद फिर बाजी शाइस्ता परवेज़ जो हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया मुस्लिम लीग नून, तो फिर बस मुस्लिम लीग नून में आई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो आज मैं MPA हूँ। और मेहरबानी है बाजी मरियम की जिन्होंने मुझे नवाजा इस चीज़ से, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा चूंकि अभी आप लोगों ने अच्छा खासा टेन्योर गुजारा भी है PVNM की गवर्नमेंट में, अब चूंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, तो क्या लगता है कि जो चीज़ें आप लोगों के दौर में बेहतर रही हैं अब वो वर्स्ट होने की तरफ जा रही हैं? क्या ऐसे मसाइल हैं जो मजीद हाईलाइट होने चाहिए या जिन पर काम होना चाहिए? देखें जो भी काम मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए इन्होंने उनको बंद करवाया, एक किस्म का देखें ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन थी इसको भी इन्होंने रोक दिया, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको रोक दिया गया है। तो अब कभी अपने नाम लगा देते हैं जी हमने ये शुरू किया है, CPAC का आप देख लें, पहले कहते मुखालफत की, उसके बाद जी अब ये चाइना के पास गए हैं उसके लिए, फिर सऊदीया गए हैं जहाँ से इन्होंने नहीं मांगना था, फंड नहीं लेना था, कर्जा नहीं लेना था, इन्होंने खुदकशी करनी थी। हम तो वेट कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि वो, क्योंकि अपने वाले साहब से भी नहीं, वाले साहब से भी नहीं पैसे मांगते थे, खुदकशी करना कबूल करते, तो हम तो वैसे वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा दिन, क्योंकि हालात तो आ गए हैं कि दो दफ़ा सऊदीया चले गए हैं, चाइना चले गए, मलेशिया भी गए हैं, अभी तक मिला कुछ नहीं है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि 100 दिन कब ख़त्म होंगे या कब पूरे होंगे हमारी समझ से बाहर है। अच्छा चूँकि अभी जो कि आप लोगों का भी एक थोड़ा मामला थोड़ी मुश्किल में है, जो कि वज़ीर आला पंजाब जो साबिक थे वो भी कुछ एहतसाब के चक्रों में है, उसके अलावा भी, तो क्या लग रहा है पार्टी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट आ रहा है उस पर? नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, आपके सामने है जब ये मियाँ साहब की पेशी होती है आप देखें लोग किस तरह आते हैं, कोई बुलाया नहीं जाता, हम खुद जाते हैं, हमारे कायद हैं, हमें जाना है वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि करप्शन तो साबित हुई नहीं अभी तक, पहले तो करप्शन साबित करें ना, वो बुलाया जाता है पानी के लिए और पकड़ा जाता है आशियाना के लिए जिससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये चीज़ें आवाम भी देख रही है, सब देख रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं लोग ऑब्जर्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल हो सकते,
اچھا جو کہ ابھی معاملہ چل رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ احتساب ادارے بھی جو ہیں وہ سیاسی انفلوئنس کا شکار ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل لگتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر احتساب ہونا ہے تو سب کا ہو. ابھی ان جنگی ترین ہیں, ان پہ کوئی نہیں ہے کرپشن کا. فواد ہے, عبد علیم خان ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر ابھی یہ لوگ احتساب کا کہہ رہے ہیں, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا جو بھی معاملے ان کے جو رہنما ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا احتساب کیوں کہ تو جب ان کی گورنمنٹ تھی تب کیوں نہیں احتساب کرایا, کہ اب جب ہم احتساب کروا رہے ہیں تو پھر یہ اتنا زیادہ نہیں. یہ تو جب بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے چیخ رہے تھے, رات کو کچھ کہتے تھے, دوپہر کو کچھ کہتے تھے, صبح اٹھ کے کچھ کہتے تھے. ان کی تو اپنی زبان نہیں ہے, یہ تو یہی بھول جاتے ہیں کہ میں نے رات کو کیا کہا تھا, میں نے صبح کیا کہا. تو یہ بہرحال ان یہ کر لیں کیا کریں گے, ابھی تک تو ثابت نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جو تحریک انصاف ہے اس میں یوتھ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. یوتھ دیکھیں نا, جتنی یوتھ تھی اب تو وہ واپسی کی طرف ہے. جو بہکایا گیا تھا ان کو, ان کے ذہن میں جو ایک چیز ڈالی گئی تھی تبدیلی, جو کہ تبدیلی کے نام پہ تھا, ان کو بگاڑا جا رہا تھا, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی. تو اب تو یوتھ کے لوگ بھی گالیاں نکالتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غلط سائڈ دکھائی ہے, غلط ہمیں خواب دکھائے ہیں. تو وہی لوگ خوش ہوں گے جن کو تبدیلی آزادی ملے گی, اور ان کو ظاہر ہے وہ خوش ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست. اچھا جو ابھی 26 جولائی کی تقریر تھی عمران خان صاحب کی جب پرائم منسٹر بننے کے بعد, تو وہ بڑی پسند بھی کی گئی. نون لیگ کے بھی کئی رہنما کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی, لیکن اس کے بعد جب بھی جس بھی فورم پہ آئے وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہمیں لگی. آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں کرنا اور بولنا اور کرنا دو علیحدہ چیزیں ہیں. جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں, تو جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. تو اپوزیشن تو جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. اپوزیشن کی جانب سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے, یہ جو تمام طرح احتساب کے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو چلتے رہنے ہیں, انہوں نے یہ چیزیں تو ختم میرا خیال ہے کہ نہیں ہونے دینی, کیونکہ نہ تو ان کو کوئی ثبوت ہیں ان کے پاس نہ ملنے ہیں. تو بہرحال یہ پیشیاں کرتے جائیں گے, ہم تو اپنی قائد کے لیے وہاں جائیں, کتنی پیشیاں کر لیں گے. تو جس طرح انہوں نے پولیس کی دیوار کی ہوتی ہے نا, ہم اس کو بھی توڑ دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے نہ تو کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے, نہ ہم نے ٹریفک جیم کرنی ہے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. ہم نے پور امن قسم امن کے ساتھ اور اچھے طریقے سے. لولی, تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جناب آپ سے ہم اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج پر, اور آج کے شو کا ریپیٹ شام 5 بجے رات 1 بجے ریپیٹ بھی ہوگا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جلدی سے چاہیں گے آپ ہمیں ایک سانگ سنا دیں. ہم اللہ حافظ کریں. ریبیوٹ دیا تھا میڈم نور جہاں کو, میں وہی سنا. زبردست. لا را 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 دساں گن گن نادا قصور کیڑا کیڑا ہوئے نا دینا ہتھوں مجبور کیڑا کیڑا گل رہندیاں نے اپنی منا کے کھیاں چنگے رہندے جڑے رکھ دے بچا کے کھیاں سکھ پایا نا کسے نے کدی لا کے کھیاں چنگے رہندے جڑے رکھ دے بچا کے کھیاں سکھ پایا نا سسی نا دی ستائی تھلا وچ سڑ گئی سسی نا دی ستائی تھلا وچ سڑ گئی پیچھے سونی دے پیاں ڈب کے او مر گئی رہیاں زہر جٹے